लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पेपर्स ठीक है ना सर? जी। अरे यस सर। ताकि जमानत होगी उसे लेके आओ। ठीक है सर। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे। पूछे ना। आपका ताह से क्या रिश्ता है? देखिए, दुनिया में किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। सारे रिश्ते यहीं बनते हैं और यहीं टूटते हैं। यू आर राइट। ताहा, तुम्हारी जमानत हो गई, चलो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। शेरखान, मेरी जमानत हो गई है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलो। हाँ। वादा तो हम ही लोग याद रखते हैं ताहा साहब, आप लोग भूल जाते हैं। नहीं शेरखान, मैं तुम्हें जरूर रिहा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें असली और नकली चेहरे दिखाना चाहता हूं। मैंने जो जो बातें तुमसे कही सब याद रखना, भूलना मत। शेर खान खुद को भूल जाएगा ताहा साहब, लेकिन आपकी कही हुई बातों को नहीं। थैंक यू शेर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक्स अ लॉट सुबेदा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिन थैंक्स एहसान छी 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 छी, इन सब अल्फाजों से मुझे हेट है ताहा, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं सुबेदा, ये तुम्हारा नहीं, मेरे अपनों का फर्ज था। मानो तो सारी दुनिया अपनी है, और अगर ना मानो तो अपने भी बेगाने। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ ताहा, इसलिए ये किया। सच सुबेदा, अगर आज तुम ना होती तो क्या होता? कोई और तुम्हारी जमानत करा देता। ताहा, तुम मुजरिम नहीं हो, तुम्हें तो जानबूझकर फंसाया गया है। तुम ठीक कह रही हो सुबेदा, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है, और किसने फंसाया है ये मैं अब जान गया हूं। आवाज नीची करके बात करो बरकरदार, हमें ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है या सच सुनने की? ये लच्छेदार बातें बंद करो और ये बताओ कि तुम थे कहां। हम लोग कितना परेशान थे। परेशान? और आप लोग? आप तो वो पेड़ है जो ना फल देता है ना साया। मुकालमेबाजी बंद करके ये बताओ कि बात क्या है। मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूं, आप झूठे और जालिम इंसान हैं। बात बात कह लिया, बात सुन लिया, मेरी खामोशी का इम्तिहान मत लो। इम्तिहान तो वो देता है जो मुकम्मल होता है, लेकिन आप तो अधूरे इंसान हैं। आप सिर्फ सांस लेना और छोड़ना जानते हैं। आपका बस चले तो आप दूसरों की सांसों पर भी कब्जा जमा ले। लगता है किसी ने मेरे खिलाफ जहर उगल दिया है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा। रिदा कहां है? मिस्टर चौधरी, रिदा जिंदा है या उसे मार दिया? होश में रहकर बात करो बरखुदार। करीम का कत्ल कौन करवाना चाहता था, और मेरा नाम लेने का आइडिया किसका था? ये सारे सवाल मुझसे क्यों? ये सारे सवाल आपने पैदा किए हैं, इसलिए इन सब सवाल के जवाब आप ही के पास है। सुनो बरखड़दार, ये गलत है, बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। क्या ये भी झूठ है?
क्या आपने हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है? रीता को खुद गायब करके मुझे सजा दिलवाने का प्लान बनाया था, और जब आप अपने इरादे में नाकाम हो गए और सच्चाई लोगों को पता नहीं चले, इसलिए आपने रीता को अभी तक छुपा के रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बातें तुमसे किसने कही। कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का कर भेजा है? आपका मोहरा शेर खान। शेर खान? कौन शेर खान? मैं किसी शेर खान को नहीं जानता। अब झूठ आपके चेहरे को छुपा नहीं सकता है। आपके चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग ये साबित कर रहा है कि मैं जो जो कह रहा हूं वो सब सच है, और ये सच दुनिया के सामने चंद लम्हों में आ सकता है। आपकी धज्जियां उड़ सकती हैं, लेकिन आपके साथ साथ चौधरी खानदान पर भी दाग उठ जाएगा। मेरे फरिश्ते जैसे अबू बदनाम हो जाएंगे, सोसाइटी में हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं भी चुप रहूं और आप भी अपनी ये हरकतें बंद कर दें। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि रीता सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। मैं उस बेगुनाह का इल्जाम अपने सर लेना नहीं चाहता, और जितनी जल्दी हो सके आप ये नेक काम कर दीजिए, वरना शेर खान अभी भी लॉकअप में बंद है। वो अपनी जबान कभी भी खोल सकता है। ये चूजा मुझे मामूली खिलाड़ी समझता है। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ, फरमाइए। जरा शेर खान से बात कराना। ये शेर खान के बाप का घर नहीं है, और वैसे भी उसकी जमानत हो चुकी है। जमानत हो गई है? एक बात अपुन के भेजे में नहीं गुजरी है, ना मैं आप लोगों को जानता हूं, ना कभी मिला आप लोगों से, और ना ही आपका नाम सुना है, फिर भी आप लोगों ने मेरी जमानत करवा दी। इतनी हैरत क्यों हो रही भाई शेर खान? अमूमन इंसान दुनिया में पहले एक दूसरे से अनजान होता है, अजनबी होता है एक दूसरे के लिए, फिर तारुफ होता है, जान पहचान होती है, दोस्ती भी हो सकती है, और अगर बंदा वफादार हो तो दोस्ती लंबी चल सकती है। आप लोगों ने मुझे जेल से बाहर निकाला, समझ लो शेर खान का दिल पिघल गया, और इस शेर खान से आपको सिर्फ वफा ही मिलेगी, और अब मैं आप दोनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। एक बात और, अगर तुम लॉकअप में होते तो अभी तक तुम मरवा दिए गए हो। और ये नेक काम तुम्हारा अजीज दोस्त चौधरी करवाने वाला था। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वक्त का इंतजार करो शेर खान, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो शेर खान, तुम्हारे रहने खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है, चौधरी को मारो जरूर, लेकिन हाथ या हथियार से नहीं, दिमाग से। समझ गया। अब देखना मैं उस चौधरी का जीना कैसे दुश्वार करता हूं।
हेलो हेलो, कौन? चौधरी। ओ, अब कौन सी परेशानी आ गई जो आपको मुझे फोन करना पड़ा? परेशानियों का पहाड़ तो तुम्हारे ऊपर आने वाला है। देखिए, हम तो देख ही रहे हैं। फिलहाल तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो। आखिर तुम चाहती क्या? वही जो हर औरत अपने घर पर चाहती है। क्या? हक। कैसा हक? ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तुम्हारा इस घर के साथ जब कोई रिश्ता ही नहीं तो हक का सवाल ही नहीं उठता। आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये तो एक हक के लिए लड़ाई नहीं है, मुझे दो दो हक के लिए लड़ना है। दो दो हक? हाँ, एक खुद के लिए, एक अम्मी के लिए। उन्हें भी तो उनका घर दिलवाना है। ओ, तो हमें बर्बाद करने की बहुत लंबी प्लानिंग है तुम्हारी। प्लानिंग है या हकीकत, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। सुनो, तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ख्वाब कहकर मेरे इरादे को गलत नाम मत दीजिए। बेहतर यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। बाकी तुम समझदार औरत हो। आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे अब्बू की याद आ रही है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। किसी ने भी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं तो अब्बू की तलाश में जाना चाहता था लेकिन बड़े अब्बू ने मुझे रोक दिया। सारे फसाद की जड़ वही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अम्मी के अब्बू के लावता होने में बड़े अब्बू का ही हाथ है। ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, वो शख्स है कुछ और, दिखाई कुछ और देता है। जब से उन्होंने हमारे घर में कदम रखा है कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्यत हमारे घर दाखिल हो चुकी है। अपने बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते, आखिर वो हमारे बुजुर्ग हैं। ऐसे बुजुर्ग शैतान से बढ़कर होते हैं जो अपने छोटों के लिए मुसीबत बन जाए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया ये पूछिए। वो शख्स इस घर की खुशियां नहीं चाहता। जब से वो इस घर में आया मेरी बहनें मुझसे जुदा हो गई, अब्बू लापता हो गए। रिदा के साथ ऐसा हादसा हुआ कि मुझे हवाला जाना पड़ा और मुझे साथ दिलाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन अल्लाह मेरे साथ था, इसलिए मैं रिहा हो गया। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मी कि बहुत जल्द सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगा और जिन लोगों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे हैं उनके नकाब नोच कर सच्चाई दुनिया को दिखा कर रहूंगा। सारी परेशानियों को अपनी जिंदगी में जगह क्यों दे रहे हैं? भूल जाइए ना। समझ में नहीं आ रहा किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। अब तो अपने आप पर से भी भरोसा उठ गया है। ऐसा नहीं कहते, जब इंसान खुद अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पाता है ना तो उसे वो फैसले दूसरों के भरोसे छोड़ देने चाहिए। दूसरे के भरोसे? दूसरों के भरोसे मतलब जो आपके करीब हो, आपका अपना हो। फिलहाल तो तुम मेरे करीब हो, तुम में ही मुझे अपनाइयत नजर आती है। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया? जुबैदा, तुम चुप क्यों हो?
तुम्हें मुझसे हमदर्दी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे हमदर्दी भी है और अपनायत भी। तुमने ये कहकर मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मैं अपनी सारी परेशानियां तुमसे शेयर कर सकता हूं। हे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं। चौधरी हिकमत यार जंग, नाम की तरह फितरत नहीं, चौधरी खानदान से मांगा हुआ नाम, हिकमत कभी किसी की नहीं यार, किसी के बने नहीं, और जंग भी करते हो धोखे से, जिसे बुजदिली कहते हैं। कौन बोल रहा है? किसकी इतनी हिम्मत की हिकमत यार जंग के नाम का पोस्टमार्टम करे? जख्म निशान छोड़ जाते चौधरी, और जो इंसान निशान देख के जख्म याद न रखे वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हें कुछ याद नहीं। ए, साफ साफ अपना नाम बताओ वरना मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हाँ, फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले एक मिनट जरा यहां बात कर लो अपने अजीज से, फिर तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन? शेर खान। जो वे बुजदिल की सातवीं औलाद, किसके साथ बैठा है तू? किसके साथ बैठा हूं ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों बैठा हूं। तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन ये भूल गए कि मौसम बदलते रहते हैं। फोन इसके लिए किया कि अब तुम शेर खान से बच के रहना, क्योंकि जो शेर खान को धोखा देता है वो अपनी जिंदगी से धोखा खाता है। क्या बात है सर, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? नहीं जुबेदा, आजकल मैं काफी परेशानियों से गुजर रहा हूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुमने इतना पूछ लिया, इतना ही बहुत है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। थैंक यू जुबेदा। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हालात और वक्त के साथ इंसान की जिंदगी में आ जाती हैं, और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसे इंसान खुद ब खुद अपने गले से लगा लेता है, और आजकल मैं इन्हीं परेशानियों को दूर करने में लगा हूं। सर, आपकी परेशानी का नाम शेर खान है ना?